अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगा और खैर खैरियत से होगा और अल्लाह के फजल करम से होगा। आज बहुत खूबसूरत और अच्छे रिश्ते के साथ हाजिर हो चुका हूँ, जो अल्लाह ने इनको काफ़ी खूबसूरती भी दिया हुआ है और अल्लाह ने अच्छा खूबसूरती और अच्छा फैमिली से नवाज़ा किया हुआ है। तो इसी वीडियो में उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। जिस लड़की का उम्र भी कम है, लेकिन लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखें, ताकि मैं आप लोगों को हर एक बात से अच्छी तरीके से समझा सकूं और आप लोगों को बताता चलूं। बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है और अच्छा है, सत्तार घर से ताल्लुक़ रखती है। और जो हजरत हमारे चैनल्स बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बरवक और बसानी मिल सके। याद रहे, बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे काम से मुतमईन हो, अगर हमारे काम आपको पसंद है, जो काम हम करते हैं वीडियो अपलोड करते हैं, तो बस अगर आप लोगों को ये हमारे काम पसंद है तो लिहाजा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारी वसीला बढ़े कि वाकई आप भाइयों का सपोर्ट है मेरे साथ और हमेशा आपकी सपोर्ट रहना चाहिए, हमारे साथ होना भी चाहिए। इस बहन के रिश्ता है पंजाब से ताल्लुक़ रखती है और ये लिहाजा यतीम है और अच्छी उम्र का है, लेकिन इनका कहना है कि मैं हूँ, ये एक मेरा वालदा है। जो इनका वालदा का कहना था कि इस बच्ची की रिश्ता करना है, लिहाजा मैं इन्हें जेज नहीं दे पाऊँगी और नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद एक बेवा हूँ और मैं इस बच्ची की खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। लिहाजा अगर कोई बग़ैर जेज की शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन माँ के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और इनके बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ हैं और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है, अच्छे इज़्ज़तदार लोग हैं। तो लिहाजा ये बेचारी जो है ख़ुद बेवा है और यतीम बेटी इनके पास है, तो अगर जो भी भाई इनसे शादी करना चाहता है तो लिहाजा आप इनसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें। और इस माँ जी का कहना है कि अगर कोई भी भाई हमसे मदद कर सकते हैं तो लिहाजा हमसे मदद ज़रूर करें, जहाँ तक आप लोगों से हो सके, जहाँ तक आपको अच्छा लगे, जितना भी कर सकते हैं, ज़कात खैरात जो भी हो सके, आप इस माँ जी के साथ ज़रूर हेल्प कीजिए। जो हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर इनके साथ हेल्प करें। जो शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये माँ जी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि लिहाजा अगर आप मदद नहीं करना चाहते हो या आप इनसे शादी नहीं करना चाहते हो, हेल्प नहीं करना चाहते हो, तो खुदा रा आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप तंग ना करें किसी को, क्योंकि हमारी भी माँ बहन होती है, आप सबकी ऐसी होती है माँ बहन, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जब लोग मजबूर होते हैं तो मीडिया पर आते हैं, कोई मस्ती से नहीं आते, कोई शौक से नहीं आते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ से हमेशा ग्रेज परहेज करें कि ताकि हमारी और आपके हाथों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँच सके। हमारी कोशिश यही होगी हम सब का कि हम किसी गरीब की मदद करें और किसी गरीब की इज़्ज़त करें, जहाँ तक हमसे हो सके उसके साथ अपनी कुर्बानी करें। और अगर आप लोगों ने इनके साथ मदद करना है, हेल्प करना है, तो लिहाजा मेरे कहने से कुछ भी नहीं करना है, आपने खुद इस माजी के साथ कॉन्टेक्ट करना है। जहाँ तक आप लोगों से हो सके आप इनके साथ हेल्प करें, आप इनके साथ मदद करें, जो आपको मुनासिब लगे बिल्कुल इनके साथ करें। और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है इनका, इनकी बेटी की उम्र भी मेरे ख़्याल से 22 साल बताई गई, और आप इनसे कांटेक्ट करें, आप इनसे रब्ता करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप पहली बार आए हमारे चैनल्स पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बसानी और बर वक्त मिल सके, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों की खिदमत में। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारे ख्याल रखें और हमें भी साथ साथ दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद